जब उसने वो इधर लगा दिया तो गर्म होना शुरू हुआ कंप्रेसर जैसे स्टार्ट हो 22 के 22 के 22 के 22 के डिस्चार्ज वाले की। बाकी वो जो आउटडोर पे आउटडोर एम्बिएंट और जो उस पे लगा हुआ है उसकी वैल्यू 8 ओम सेम है। सही, ये उसने गलती कर दी थी इतनी बड़ी, इसकी वजह से वो काफी अच्छे कस्टमर भी परेशान था और उसको बड़ी यानी कि सजा मिली। अच्छा अब हमारे पास आइए P4 देखें, P4 आ रहा है, ये किस चीज का एरर है, किस चीज का एरर है P4? ये हमारा जो कंप्रेसर होता है, सही, अगर कंप्रेसर के वायर लूज है, गलत लगे हुए नहीं लगे हुए, तीनों सूरतों में ये आएगा P4। कंप्रेसर के वायर गलत लग जाए, लूज हो जाए या नहीं लगे, उसका जो जगह है ना वो कंप्रेसर का टर्मिनल लूज हो जाए तो इसमें हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएगा, P4। जब भी ये स्टार्ट लेगा उस टाइम P4 दे रहा होगा, जब भी इसका आउटडोर का फैन स्टार्ट होगा और इसके अंदर P4 आना शुरू हो जाएगा। सही है, मुस्तकिल नहीं रहेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा P4। अक्सर ये होता है जब जैक लगाते हैं ना वो वायर पीछे निकल जाता है, इसका जो बीच में जैक है ना वहाँ से प्रॉब्लम आया है, इसकी वजह से P4 हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। F5 इसके आउटडोर फैन मोटर का एरर है, फैन मोटर लगी हुई आउटडोर में जी सर, वो खराब होगी तो क्या आएगा F5? अभी तो नहीं है सर। F4 प्रोग्रामिंग आईसी का एरर है, जो लगी हुई छोटी सी आईसी एक दिख रही है सबको सर्किट के अंदर, एक छोटी सी आईसी लगी हुई है 8 पिन की, इसका एरर है F4, खराब होगी तो ये पूरा प्रोग्रामिंग आईसी है, प्रोम आईसी P1 लो वोल्टेज आएगा तो P1 आएगा, वोल्टेज की कमी कमी या ज्यादती P2 आना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से हमने ग्रीस लगाई हुई है उसको कि वो बराबर से कंडक्शन करे और वो एवोपरेट कर दी ले। E6 इसमें नहीं है, E6 हमारे पुराने वाले मॉडल में है इन्वर्टर के, सही है, वो कम्युनिकेशन है जो इसका तरीका कम्युनिकेशन चेक करने का बताया है वही यूज करें। ग्रीस लगाना भूल जाते हैं किस चीज में, हीटसिंक के ऊपर, ये हीटसिंक है ना इसके नीचे एक ग्रीस लगा होता है, वो ग्रीस लगाना भूल जाते हैं। सही, अब देखिए आवाज नहीं आया P4 और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया।